नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के YouTube में आपका स्वागत है। आज हम बहुत समय बाद फिर से देवभूमि IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं। 2023 में होने वाले एग्ज़ाम पटवारी और लेखपाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन सीरीज और कुछ करंट अपडेट्स उत्तराखंड के सामने रखे हुए हैं, तो इन्हीं को हम एक के बाद एक इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने वाले हैं। चलिए, पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है उत्तराखंड के पार्क्स। उत्तराखंड क्या पूरे भारत के लिए जो पार्क्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, ये काफ़ी सुर्खियों में हैं। इनको हम एक के बाद एक सामने रख रहे हैं। कभी कभी उनकी डेट भी आपके सामने दिखाई दे रही होगी, इनकी स्थापना की डेट भी हो सकती है या पहली बार जब इनका उद्घाटन किया गया वो कहीं पर, तो ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये है कवक पार्क या थैलस गार्डन। ये मुंशियारी में है। 9 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा पॉलिनेटर पार्क। पॉलिनेटर पार्क भारत का भी और उत्तराखंड का भी पहला पार्क है और ये हल्द्वानी में 29 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन हुआ है। तीसरा है मॉस गार्डन। मॉस गार्डन नैनीताल ज़िले के खुरपाताल में है और 20 नवंबर 2020 को जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। तब ये काफ़ी सुर्खियों में था। ये भी पूरे भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण गार्डन स्थापित हुए हैं। नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। ये भी पूरे भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर माना जाता है। गंगोत्री में 1 अगस्त 2020 को इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के मुंशियारी में ट्यूलिप गार्डन, इसकी स्थापना की गई है। और पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया की पहाड़ियों में बनाया गया थीम पार्क कंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में है। और उत्तराखंड का बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में, इसी बायोडाइवर्सिटी पार्क के आसपास बहुत सारे ऐसे पार्क स्थापित किए गए हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है एक्यूप्रेशर पार्क। ये देहरादून के ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। कैक्टस पार्क देहरादून। अधिकांश पार्क आपके देहरादून और हल्द्वानी या फिर चमोली के आसपास है। एरोमेटिक गार्डन या सुरभि वाटिका लाल कुआं नैनीताल, 2021 में इसकी स्थापना हुई है। ये भी भारत के संदर्भ में एरोमेटिक गार्डन माना जा रहा है। नेक्स्ट है हर्बल यानी जड़ी बूटी गार्डन। ये माणा गांव चमोली उत्तराखंड भारत का अंतिम गांव, वहाँ पर 2021 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है ऑर्किड संरक्षण केंद्र। ऑर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी चमोली में 2021 में इसकी स्थापना हो रही है। नेक्स्ट फर्न संरक्षण केंद्र, ये कुमाऊं के रानीखेत में यानी अल्मोड़ा, 2021 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा है घास संरक्षण केंद्र, ग्रास प्रोटेक्शन सेंटर रानीखेत, द्रारसो जगह है रानीखेत के अल्मोड़ा में। और नेक्स्ट है जंगल हीलिंग सेंटर। जंगल हीलिंग सेंटर रानीखेत 7 मार्च 2021 में इसकी स्थापना हुई है। तो अधिकांश सर ये देख रहे होंगे कि रानीखेत में बहुत सारे सेंटर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, रानीखेत हल्द्वानी या फिर चमोली। नेक्स्ट है क्रिप्टो गैमिक गार्डन। ये है देववन चक्रोता 2021 में, यानी चक्रोता के देववन में। नेक्स्ट है हिमालयन स्पाइस गार्डन रानीखेत सोनी जगह है रानीखेत के, ताड़ीखेत के ज़्यादा समीप पड़ेगा ये। अच्छा, पाम गार्डन हल्द्वानी 2021। डायनासोर पार्क हल्द्वानी में स्थापित किया जा रहा है। और क्रोकोडाइल पार्क खटीमा के सुरई इको जोन के अंतर्गत स्थापित हुआ है। और नेक्स्ट है रामायण वाटिका हल्द्वानी यानी नैनीताल की हल्द्वानी में 2020। बद्रीवन चमोली में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी हल्द्वानी तीन पानी में, ये भी स्थापना की जा रही है इसकी। एडवेंचर पार्क सुवाखोली धनौल्टी 2021 में से बनाने की घोषणा हुई है। अभी ये मसूरी से आगे मसूरी धनौल्टी यानी टिहरी में पड़ेगा ये। नेक्स्ट है हिमालयन फूड पार्क, ये 2018 में इसकी स्थापना की गई थी हिमालयन फूड पार्क की। और जो हिमालयन फूड पार्क है ये वैसे उत्तराखंड का दूसरा हिमालयन फूड पार्क होगा। इससे पहले हरिद्वार के पदार्था गांव में पतंजलि हर्बल और फूड पार्क नाम से पहला फूड पार्क स्थापित किया गया था और ये महुआ खेड़ा काशीपुर में 2018 में स्थापित किया गया। ये थे उत्तराखंड के बहुत सारे
राष्ट्रीय पार्क या भारत के स्तर की राष्ट्रीय पार्क जिनको विगत 2 या 3 वर्ष में स्थापित किया गया है, जो किसी न किसी रूप में क्वेश्चन के रूप में आपके सामने दिखाई देंगे। अच्छा, इसका जो सेकेंड पार्ट हमने उठाया है वो है ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों को फिर से पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए 2015 से ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल घोषित किए जा रहे हैं, या फिर ऐसे पर्यटन स्थल जिन्हें ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जा रहा है ताकि दुनिया की नज़र इस पर पड़े और पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। उसी के अंतर्गत दयारा बुग्याल जो उत्तरकाशी में है उसे 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो उसके साथ ही लगातार 2015 से लेकर अब तक यानी 2022 तक के ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल आपके सामने है। सबसे पहले दयारा 2015 में, ये उत्तरकाशी में होगा, उत्तरकाशी का ट्रैक ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है चाईसिल बुग्याल 2016 का, ये भी उत्तरकाशी में है। द्रोणगिरी 2017 का, ये चमोली का द्रोणगिरी पर्वत, दूनागिरी, ये सब चमोली में है। नामिक पिथौरागढ़ 2018, ये पिथौरागढ़ का, नामिक पता ही आपको, नामिक ग्लेशियर भी है और ये कुमाऊँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है 16 किलोमीटर का, जो केवल कुमाऊँ में स्थित है। नेक्स्ट है देवक्यारा, देवक्यारा बुग्याल 2019 उत्तरकाशी का, फिर से उत्तरकाशी देवक्यारा बुग्याल। नेक्स्ट है कुशकल्याण बुग्याल 2020 का ट्रैक ऑफ द ईयर। कुशकल्याण, देवक्यारा, ये सब आसपास ही हैं, तो कुशकल्याण बुग्याल 2020 का, ये भी उत्तरकाशी में होगा, उत्तरकाशी। और 7th नंबर का भयूड़ी बुग्याल 2021, ये भी उत्तरकाशी का। तो ऐसा लग रहा है कि अधिकांश तो उत्तरकाशी के जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है उनको पिछले 2-4 या 10 सालों में से ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और लास्ट में है बागची बुग्याल चमोली का, जो 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर है। और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर का, ये है आपका 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर। तो 2015 से 2022 तक के ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल जितने भी उत्तराखंड के आपके सामने हैं, और जितने भी पार्क या कुछ ऐसे सेंटर या हीलिंग सेंटर के रूप में, एक्यूप्रेशर पार्क के रूप में जितने भी सारे स्पॉट पिछले 2-3 सालों में सुर्खियों में आए, वो सब आपके सामने रख दें हमने। ये था एक छोटी सी क्लास आज के लिए, और ये मेरा अंतिम संदेश आपके लिए कि आने वाले पटवारी और लेखपाल के एग्ज़ाम सामने हैं, विगत कई सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो अंत में एक शब्द कहूँगा कि जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद।